गाइस आज मैं बात करूंगा लारावेल में कि ग्रुप बाय मेथड को कैसे यूज करना है। बेसिकली जो हमारा पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज नेसेसरी विद टू थिंग्स। ठीक है, मतलब इसे दो चीजों के साथ हम यूज कर सकते हैं, ये दो चीजों के साथ जरूरत होता है, मतलब यूज किया जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे एंड मॉडल क्रिएट करेंगे, राउट सेट करेंगे और रन करेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, पर पहले मैं थोड़ा आपको डेटाबेस से समझा देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। बेसिकली आपकी जो है टेबल किसी भी तरह की हो, बस लॉजिक आप समझिएगा जो लॉजिक लगने वाला है मेरा ग्रुप बाय मेथड के साथ। ठीक है, तो कुछ नेम्स हैं यहाँ पर और कुछ स्टूडेंट आईडी हैं, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल है जिसमें से यहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा डाला हुआ है। और ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक टीचर जो है एक अनेक स्टूडेंट आईडी से मैच कर सकता है, मतलब उनको पढ़ा सकता है, एक टीचर काफी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पर नेम जो है देख सकते हैं कि आप यहाँ पे रिपीट हो रहा है, स्टूडेंट आईडी भी दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाय द वे क्या होता है कि यहाँ पर यूजर जो है चाहता है कि हमें यहाँ पर यूनिक डेटा दिखे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक टेस्टिंग करने के लिए एक कंट्रोलर बना लेते हैं। तो पीएचपी आर्टिजन में एक कॉलन कंट्रोलर एंड देन मैं टेस्ट कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, और मैंने ये क्रिएट कर लिया एंड देन एक मॉडल भी बनाऊंगा मैं। तो पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, मॉडल बनाऊंगा मैं टीचर नेम से क्योंकि हमारा टीचर्स नाम का टेबल है। एंड देन यहाँ पर चलते हैं और एक राउट सेट कर लेते हैं। तो राउट सेट करने से पहले हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपना कंट्रोलर, यूज एप /http/controllers एंड देन गाइस यहाँ पर मेरा आ जाएगा टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट कंट्रोलर एंड देन गाइस मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल राउट क्रिएट करता हूँ एक एंड देन कॉलन कॉलन गेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक टेस्ट नाम से राउट एंड देन क्लास पास करेंगे एंड देन एक मैंने इंडेक्स नाम का मेथड कॉल कर लिया। ठीक है गाइस, इतना काम करने के बाद मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर में, यहाँ पे मुझे लॉजिक लिखना है। मैं बेसिकली आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ कब कब ये यूज करना है। ठीक है, तो यूज एप स्लैश मॉडल्स एंड देन मेरे मॉडल का नेम है टीचर, तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया एंड देन पब्लिक फंक्शन फंक्शन, तो हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया इंडेक्स एंड देन गाइज मैं लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ डायरेक्ट क्या टीचर कॉलन कॉलन ऑल एंड देन गाइज मैं इसे रन करूंगा अपने ब्राउजर पर। तो थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड है तो कैसे वगैरह आ जाता है, सॉरी मैंने पीएचपी आर्टिजन सर्व कर दिया है, कैसे करना था पीएचपी आर्टिजन ऑप्टिमाइज रिमूव किया मैंने एंड देन गाइज चलते हैं हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने टेस्ट नाम का मैंने यूआरएल बनाया हुआ है एंड देन देख सकते हैं आपको जो है पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी बेसिकली आपको जो है 6 आईडी तक का जो डेटा है वो आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए ग्रुप बाय को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको जैसा कि बताया दो चीजों के साथ करके बताने वाला हूँ। एक तो देखिए ग्रुप बाय तब यूज होता है, लाइक मान के चलिए अगर आपके पास जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर है इस टेबल में, बेसिकली ये तो ठीक है, पर आपकी कुछ टेबल में कंडीशन हो सकती है कि लाइक मान के चलिए किसी ने डुप्लीकेट डेटा एंटर कर दिया, तो आप चाहते हैं कि नहीं वो यूनिक डेटा ही निकले और उस कॉलम के बेस पर निकले। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास अभिजीत और श्रेयांशु, दिव्यांशु और अभिजीत मेरे पास दोबारा रिपीट हुआ है एंड देन अविनाश अविनाश भी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पर्टिकुलर यूनिक डेटा निकले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंट्रोलर में जाऊंगा एंड देन गाइज देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिलेक्ट लगाऊंगा पहले कि मेरे को जो निकालना है डेटा वो निकालूंगा। ठीक है, और लाइक मैं मान के चलिए मैं नेम पर कर रहा हूँ अप्लाई। ठीक है, ये जरूरी है कि आप सिलेक्ट लगाएं, जो आप कॉलम नेम निकाल रहे हो उसी पर आप ग्रुप बाय यूज करोगे। ठीक है, तो ग्रुप बाय नाम का हमने मेथड यूज किया, ये कभी भी एम्प्टी नहीं डालना है, इसमें वो कॉलम नेम डालना है जिस पर आप क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो। लाइक मान के चलिए मैं इस नेम के ऊपर लगाता हूँ कि मेरे को यूनिक डेटा दिखना चाहिए नेम वाले कॉलम का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेम पास कर दूंगा, और ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेक्ट में अगर आपने दो पास किए हैं, अगर मान के चलिए आपने यहाँ पर आईडी भी यूज कर रहे हो साथ में और कॉमा लगा के नेम भी पास करो। ठीक है, तो ग्रुप बाय में भी ये भी जरूरी है कि आप जितने सिलेक्ट में पास करो उतने ही यहाँ पर पास करें। ठीक है, वरना ये आपको एरर दे जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा एंड देन गाइस यहाँ पे देखिएगा, ये हम पहला वे देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे रिफाइन कर रहे हैं डेटा को एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं अभिजीत, अविनाश, दिव्यांशु एंड देन श्रेयांशु, मतलब हमारे पास 4 पीपल्स का डेटा आ चुका है जो कि यूनिक आया है। ठीक है, अब मान के चलिए
मैं यहाँ पर आईडी के बेस पर करता हूँ, लाइक यहाँ पर स्टूडेंट आईडी उसके बेस पर भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट आईडी, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर जो नेम पास कर रहा हूँ वही आप ग्रुप बाय में पास करें, लाइक मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी पास कर दिया और मैं ग्रुप बाय करता हूँ नेम पर, ठीक है। तो अब आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको एरर आ चुकी है। एंड देन गाइस ये जरूरी है कि आप दोनों जगह नेम सेम रखें, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2457 आ गई है। तो 2457 आपके पास आ गई, रिपीटेड डेटा हमारे पास नहीं आया, ठीक है। ये तो होती है एक चीज, ठीक है। अभी दूसरी चीज के लिए हम कैसे यूज करते हैं ग्रुप बाय को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान के चलिए, पहले तो मैं वो आपको एरर बता देता हूँ कि वो एरर कैसे आती है। लाइक मान के चलिए आप स्टूडेंट आईडी के साथ आईडी भी निकाल लो, ठीक है, उसकी जो मतलब इस टेबल में है, ठीक है, ये वाली आईडी, और आपने ग्रुपिंग की ग्रुप बाय यूज किया इसके ऊपर स्टूडेंट आईडी के ऊपर, तो ये क्या चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपको एरर दे जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप जितने कॉलम सिलेक्ट में पास कर रहे हो उतने ही आप यहाँ पे दीजिए। अगर आप यहाँ पे आईडी देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर दे देता हूँ आईडी, एंड देन गाइस यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब चल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं चल गया। अब देखिए ये क्या, अभी आप बोलोगे कि ये तो हमें पूरा डेटा दे रहा है, ये पूरा डेटा तो देगा ही देगा ना, क्योंकि आईडी तो सबकी अलग अलग है, डिफरेंट है, और नेम क्या है सबके किसी किसी में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में चेक करेगा दोनों इक्वल है या नहीं, तो दोनों को चेक करने के बाद ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। लाइक मान के चलिए आप यहाँ पे ऑल करके सारा डेटा निकाल रहे हो, ठीक है, मैंने निकाल लिया और मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मेरे पास पूरा डेटा आ गया। पर मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि जिनका यूनिक मतलब जैसे लाइक मैं अगर डेटाबेस में आपको बताऊं कि अभिजीत यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहा है, श्रियांशु एक बार है, दिव्यांशु भी एक बार है, पर अविनाश जो है दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक हमारे पास की हो और उसके अंदर वो डेटा हो जिसका नेम उससे रिलेटेड करता है। लाइक मैं मान के चलिए मैं अभिजीत नाम का एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसमें चाहूंगा कि मैं अभिजीत नाम का ही मेरे पास स्टूडेंट आईडी आए और स्टूडेंट वो सॉरी टीचर नेम आए और उसकी आईडी आए, ठीक है, स्टूडेंट आईडी भी वही आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैं समझाना आपको यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ग्रुप बाय और मैंने यहाँ पर कर दिया, लाइक मैं करता हूँ नेम के ऊपर क्योंकि आईडी तो सबकी डिफरेंट है, तो मैं नेम के ऊपर करता हूँ। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहले क्या दिखा, अभिजीत, ठीक है, मतलब एक की बनी और उसके अंदर एक एरे बन रहा है और एरे में क्या है, वही नेम वाला डेटा होगा जिसका नेम अभिजीत होगा। लाइक यहाँ पर देखिए अभिजीत एक में है और दो में है, ठीक है, तो टू एंड फोर स्टूडेंट आईडी है, तो आपको यहाँ पर भी वही डेटा मिलेगा, ठीक है। तो अभिजीत नाम का जो आपको यहाँ पे एरे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर क्या देखिए, आईडी वन नेम अभिजीत, स्टूडेंट आईडी टू, एंड देन एक और आपको यहाँ पे एरे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या है आपकी आईडी फोर नेम अभिजीत, स्टूडेंट आईडी फोर, ठीक है। अब क्या है ये एरे यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब ये अभिजीत के लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक एरे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ऐसे श्रियांशु के लिए उसने चेक किया कि श्रियांशु इसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसने देखा एक ही बार हो रहा है, तो एक ही बार हो रहा है तो उसका रिलेटेड डेटा कितना, श्रेयांशु का एक ही है, तो उसने यहाँ पर क्या किया, एक ही उसका डेटा इस एरे में रखा, ठीक है। अब दिव्यांशु का भी एक ही था तो उसने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब अविनाश यहाँ पे देख सकते हैं, अविनाश एक है और यहाँ पर देख सकते हैं उसके उससे रिलेटेड जितने भी अविनाश के नेम है, लाइक मेरे यहाँ पे दो हैं तो मेरे को दो उनका दो दे दिया, ठीक है। ये आपने शायद गौर किया हो कि आपको जो बाहरी नेम मिल रहा है, लाइक मैं यहाँ पर देख सकते हैं अभिजीत है, श्रेयांशु है यहाँ पर आउट ऑफ एरे, ठीक है, दिव्यांशु है, ये अविनाश है, तो ये रिपीट नहीं हो रहे और बाकी अंदर का जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है। मतलब इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम ग्रुप बाय उस पर लगा रहे हैं नेम पर, तो उसने क्या किया, नेम को एक की माना और उसके अंदर एक एरे असाइन करा और उससे रिलेटेड जो नेम से रिलेटेड जो डेटा था उसके अंदर वही उसने अपने अंदर रखा जो एरे में, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे आईडी के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट आईडी के ऊपर लगा सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ लगाता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देखेगा कि रिपीटेड तो नहीं है, तो रिपीटेड को अलग अलग करेगा, यूनिक देगा हमें, तो टू टू किस किस के अंदर स्टूडेंट आईडी आ रही है, देखिए इसके अंदर आ रही है। अब देखिए टू एक ही के अंदर आ रही थी तो उसने एक ही को दिया, ठीक है, तो फाइव को फिर चेक किया, फाइव वाली आईडी को उसको मान लिया उसने की, ठीक है, उसके अंदर एक आ रही है स्टूडेंट आईडी किस किस में फाइव है तो उसने वो चेक कराया, ठीक है। एंड देन फोर के अंदर चेक किया, एंड देन सेम एज इट इज सेवन के अंदर चेक किया। तो ये होता है, दो मैंने चीजें आपको बता दी। ये ग्रुप बाय इसलिए यूज किया जाता है कि आपको जो यूनिक डेटा है वो गेट करना है, ठीक है। हालांकि आपने देखा हो डिस्टिंक्ट मेथड
भी होता है, पर वो डिस्टिंक्ट मेथड, कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं, इसकी कुछ कंडीशंस अलग हैं, हालांकि काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है, पर कुछ पैरामीटर्स का अंतर पड़ जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, सो थैंक यू।